व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म कहीं कहीं व्यापक उसकी परिभाषा है। तो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, उसके अंदर समरसता पैदा करने के लिए, सामंजस्यता पैदा करने के लिए वो सुचारू रूप से चलता रहे, जरूरी है कि हम सबको अपने अपने कर्तव्य का बोध करना पड़ेगा और अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, और वही धर्म है। लेकिन ये बोध कौन कराएगा? और अगर मैं गलत चलूं तो ये मुझे कौन बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं? वो काम एक लंबे समय तक हमारे इन संतों ने किया है, और इसीलिए ये बात कही गई कि ये केवल व्यक्ति के लिए नहीं, ये भूमि को धा, ये पूरा पूरी पृथ्वी ठीक से चलती रहे, वो चलती है संतों के तप की ताकत से। मैं आपको एक और छोटी सी बात कहता हूं। हम सब, और मुझे बहुत पहले से, कि भारत की एकता को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने भारत के चार कोनों में चार मठों की स्थापना की। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। इसे कि अकेले मठ स्थापित करने से एकता कायम हो सकती है, उस पर दो राय बन सकती है। चारों मठों को आदि शंकराचार्य ने एक एक महावाक्य दिया, और वो महावाक्य हमारे वेदों से आता है, और वो महावाक्य चारों अलग अलग वेदों से आने वाले चार महावाक्य चार मठों को दिए गए। चारों का मतलब एक है, अर्थ समान है। वो मठ बनाए गए थे उस महावाक्य का संदेश और उपदेश देने के लिए। बिल्डिंग से एकता सुदृढ़ नहीं होगी, उस विचार से एकता सुदृढ़ होगी। वो मठ प्रतीक है उन महावाक्यों का, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्मा। चारों मठों को इसमें से एक एक यजुर्वेद से, एक सामवेद से, एक ऋग्वेद से, एक अथर्ववेद से, और उसका मतलब क्या? वो ही पहली बात कि हमारे ऋषियों ने हमारी संस्कृति को परिभाषित किया ना भाषा से, ना पूजा पद्धति से, ना रेस से। हमारे ऋषियों ने परिभाषित किया आत्मा से, जो सर्व समावेशी है, जो किसी को बाहर छोड़ती ही नहीं। यही बनारस है। शंकराचार्य गंगा पे नहाने जा रहे थे या नहा के लौट रहे थे। अब तो बनारस की सड़कें बहुत साफ सुथरी नजर आ रही हैं, लेकिन आमतौर से गलियां, बनारस जाना जाता था संकरी गलियों के लिए। जी सही है, गलत तो नहीं मैं कह रहा। तो लौट के आ रहे हैं गंगा स्नान करके, कोने पे एक चंडाल को देखते हैं पांच कुत्तों को लेके खड़ा हुआ है। अद्वैतवाद के प्रणेता मुंह से, किसी भी उनके या उनके किसी शिष्य के मुंह से निकल गया कि रास्ते से हटो। अब मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगा कि चंडाल के रूप में कौन थे, वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहां चंडाल ही मान रहा हूं, और मैं इसलिए मान रहा हूं चंडाल कि बनारस में तो चंडाल का भी बौद्धिक स्तर वही होगा। उसने पलट के शंकराचार्य से कहा कि शरीर हटाऊं कि आत्मा हटाऊं?
और शंकराचार्य उसके पैरों में लेट गए और मशहूर उनकी रचना है मनीष पंचक। पांच शायद श्लोक हैं उसमें मनीष पंचक में, और मुझे जो सभी एक से एक कमाल का है, लेकिन जो मुझे याद है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ब्रह्म वाहा मिदम सर्वम, जगत सकलम चिन मात्र विस्तारितम, सर्वम चैतद विद्याया तिरगुणाया शेषम मया कल्पितम, इत्थम यस्य दृढ़ा मति सुक्तरे नित्या परे निर्मले, चंडा लोस्तु सातु दुई जोस्तु गुरु रुत्येशा मनीषा मम। जो ये जान गया कि वही एक परमात्मा है जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर विद्यमान, हर किसी के अंदर वही मेरा गुरु है, चाहे वो चंडाल हो और चाहे वो ब्राह्मण, चाहे वो द्विज, वही में। और ये कोई गीता में इसका उद्घोष पहले ही हो चुका था, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनी चैव श्वा पाके चा पंडिता संदर्शिना। चाहे विद्या और विनय जो हाईएस्ट एट्रीब्यूट्स, बहुत बड़ी विशेषताएं किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे विद्या और विनय ह्यूमिलिटी से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कुत्ते के खाने वाला हो, सबके अंदर उसी एक परमात्मा का निवास है आत्मा के रूप में। अब ये आप दूरबीन लगा के भी अगर देखिए, विश्लेषण करिए, तो ये इतना समावेशी और इतना इतना वृद्ध मानस की उत्पत्ति है ये विचार, जिससे बाहर कोई रह ही नहीं सकता, चाहे जिस पंथ का मानने वाला हो, चाहे जिसकी जो मैं मुझे यहां नजर आ गए हमारे आलोक जी आ गए थे अभी तीन चार दिन पहले, त्रिवेंद्रम में थे, नहीं कोटायम में मुलाकात हुई मेरी, तो मैं वहां बात कर रहा, मैं कहा यहां मैंने वहां इनसे कहा, मैंने कहा हमारी संस्कृति तो वो है जहां रावण को भी उसकी दुष्टता के लिए नहीं, लोक संग्रह के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन उसके प्रति भी आदर भाव, उसकी विद्वता के लिए आदर भाव पूरी तरह मौजूद है, उसके पैरों के किनारे खड़े होकर उससे उसके ज्ञान का सार हासिल करने की कोशिश की जाती है। इतनी समावेशी हमारी संस्कृति, दुनिया में ये नहीं था, लेकिन जब लोकतंत्र आ गया, जब दुनिया ग्लोबल, मैंने कितना समय ले लिया सर, कितना ले लिया, तो 5-10 मिनट और बोल सकता, 5-10 मिनट और बोल सकता हूँ सर, दुनिया ने इस चीज को अपनी जरूरत के तौर पे स्वीकार किया, अपनी सोच के तौर पे स्वीकार नहीं किया। भारत की ये सोच है, भारत का ये मत है, हम किसी को भी बाहर नहीं कर सकते, हमारा तो मानना है कि जीव में ही शिव नजर आना चाहिए।
माधव मानव सेवा ही माधव सेवा है। और हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं उस आत्मा के बंधन से। हमारे हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारे रूप रंग अलग हो सकते हैं, हमारे खाल के रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है जो हम सबको एक दूसरे से बांधता है और वो है आत्मा, रूह, स्पिरिट। यही इसीलिए हमारे यहाँ बल्कि मैं तो जब मुझे पहले देखिए कोई धार्मिक व्यवस्था हो उसमें, अब मैं संस्कृत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता कि हाल में उसको हिंदी में और भारतीय भाषाओं में उसके लिए शब्द गढ़े गए हैं, लेकिन ओरिजिनली कोई शब्द था नहीं उसके लिए। इसलिए कि जो संगठित धर्म होगा वहां आपको निश्चित कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, नहीं मानेंगे आप तो आपके ऊपर इल्जाम लगेगा, या आप ऐसी बात कहेंगे जो उन मान्यताओं के खिलाफ जाती है तो आप पे आरोप लगेगा ब्लास्फेमी का या अपोस्टेसी का, जिसके लिए अब हमने नाम हमने एक शब्द गढ़ लिया है ईश निंदा। ईश की कौन निंदा कर पाएगा? ये रिसेंट है, ये हमारी ओरिजिनल उसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, उसकी कौन करेगा? क्या है वो ना ही लोके विद्ये सोना राम मनुविता। हमारी सोच से ये रही है कि जो हमारे यहां विपरीत भक्ति की भी कल्पना रही है कि जो विरोध कर रहा है वो भी दुश्मन नहीं है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है विपरीत भक्ति। तो यहां दुश्मन तो कोई है ही नहीं, नींद तो बहुत बीच का अंतराल है। और खुद गीता में है कि धर्म की जब जब हानि होगी तो फिर मैं आऊंगा। तो हम भूल जाते हैं, इंसान का मिजाज जो है वो भूलने वाला है और थोड़ा स्वार्थ भी है। होता है जहां हम सिद्धांतों को हमें खूब पता होता है सही आचरण क्या है, लेकिन क्या है बहुत जानामि धर्मम नचामे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचामे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्तथेन यथो नियुक्तास्मि तथा करोमि। मैं खूब मालूम है मुझे अच्छी तरह धर्म क्या है, मुझे ये भी मालूम है अधर्म क्या है, लेकिन धर्म की तरफ मेरी ख्वाहिश नहीं होती और अधर्म से पीछा नहीं छूटता। और कोई बैठा हुआ है यहाँ पे जो मुझे मुझे नियंत्रित करता है, तो मुझे खूब पता है कि सही क्या है, लेकिन करता हूं गलत काम। तो फिर एक जरूरत होती है एक शंकराचार्य की, फिर जरूरत होती है एक स्वामी विवेकानंद की, फिर जरूरत होती है हमें इन संतों की। आप जरा गौर करिए, मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये काम पहले हुआ होता, आखिरकार अमेरिका में शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद बोले तो जितने दुनिया के धर्म के मानने वाले वो सब उठ के खड़े हो गए उनकी प्रशंसा करने के लिए या नहीं खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए? क्योंकि उन्हें वो विचार अच्छा लगा। वो विचार स्वामी विवेकानंद का विचार नहीं था, वो विचार तो भारतीय विचार था, हमारे ऋषियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है हजारों साल पुराने। लेकिन हम चूंकि भूले हुए थे तो हमें एक स्वामी विवेकानंद की जरूरत पड़ी जो जो
हमें ही नहीं केवल बल्कि दुनिया को बताए कि शांति पूर्वक जीवन अगर हम व्यवस्था इस पूरे विश्व में बनाना चाहते हैं तो ये इसलिए नहीं कि हम तुमसे बेहतर हैं, नहीं, ये सेंस तो हमारे अंदर आ ही नहीं सकता। अहंकार का भाव तो भारतीय संस्कृति इजाजत ही नहीं देती कि हम कोई अहंकार का भाव पालें। लेकिन ये कि हमारे ऋषियों ने बड़ी तपस्या करके अपनी जीवन खपा दिए और उन्होंने ये प्राकृतिक सिद्धांत उन्होंने ढूंढे मानव कल्याण के लिए, और कैसा अच्छा लगा उन लोगों को कि पूरा हॉल खड़ा हो गया ताली बजाने के लिए। किस चीज पर? रुचि नाम वैचित्रिया दीर्ज कुटिल नाना पद्य श्याम निर्णाम एको गम्य स्तमसी पैसा मरणवे। जिस तरह मैं उस देश से आता हूं जहां करोड़ों लोग अपना दिन प्रारंभ करते हैं इस प्रार्थना के साथ कि जिस तरह विभिन्न नदियां नाले अपने अपने स्रोतों से निकलकर सीधे और टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हुए अंत तक जाकर सागर में लीन हो जाते हैं, हे प्रभु हम इंसान भी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार टेढ़े मेढ़े सीधे रास्ते लेते हुए, लेकिन महत्वाकांक्षा एक है कि प्रभु तुझ में लीन हो जाए। पूरा हॉल उठ के खड़ा हो गया। क्यों? उन्हें वो उस रास्ते पे पहले ही चल पड़े थे लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इसका स्रोत क्या है। स्वामी विवेकानंद के भाषण से उन्हें यह पता चल गया कि आज जो ये चीज वो अपनी जरूरत के तहत कर रहे हैं वो भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले उसकी कल्पना की थी और उसको प्रतिपादित किया था। तो मैं बहुत दफा कहता हूं कि हमें पूरा हक हासिल है कि हम गर्व करें, अहंकार नहीं, गर्व करें, गर्व करें, लेकिन इसकी भी जरूरत है कि थोड़ी शर्म करें। गर्व इसलिए कि हम एक गौरवशाली संस्कृति के वारिस हैं, शर्म इसलिए कि हम उसको दुनिया को बताने में नाकाम रहे। और हम जिस पतन के काल से गुजरे उसकी जो छाप है वो अभी भी पूरी तरह मिटी नहीं है। मैंने एक दो जगह और भी ये मिसाल दी है और इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए कि मैं चाहूंगा कि आपने तो दो दो या तीन तीन प्रश्न कहे, अगर उससे ज्यादा करना चाहें तो भी मैं स्वागत करूंगा। तो मैं एक व्यवहारिक एग्जाम्पल को क्या कहेंगे सर, उदाहरण देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। 1991 में मैं भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री था और सिविल एविएशन का भी चार्ज था मेरे पास। मैं कहने का मतलब ये मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, लेकिन उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री उन्होंने ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एक संस्था है, वहां पर कश्मीर को लेकर हमारे खिलाफ एक प्रस्ताव जिस पे उन्होंने बड़ा मेजर ऑफेंसिव लिया था, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने उसमें दौड़ भाग की थी और वो जाती तौर पे खुद हर देश में जा रही थी वहां के राष्ट्र अध्यक्षों से मिलने और अपने पक्ष में राय बनाने के लिए। भारत सरकार की तरफ से वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली गई अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो मैं जब इंडोनेशिया जा रहा था तो मैं हमारे पहले एम्बेसडर राजदूत इंडोनेशिया में मोहम्मद यूनुस साहब थे जो बाद में प्रगति मैदान के भी अध्यक्ष रहे हैं इंडिया ट्रेड फेयर अथॉरिटी के, और वो नजदीक में ही रहते भी थे। तो मैंने सोचा कि मैं पहली बार इंडोनेशिया जा रहा हूं तो मैं जरा उनसे थोड़ा मदद मांगू
कि वो मुझे बताएं कि मैं किस तरह वहां के राष्ट्राध्यक्ष से बात करूं, किस क्या बातें करूं जिसका उन पर असर पड़ सके। तो वो मैं उनके घर गया, उन्होंने बहुत मुझे फायदा हुआ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छी बातें मतलब जिनका असर पड़ेगा उनके ऊपर। और उसी में उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सुकार्नो, चूंकि पंडित जी से उनकी बहुत जाति मित्रता भी थी और मुझे वो पंडित जी के परिवार का हिस्सा ही मानते थे राजदूत के अलावा, इसी के ये खान अब्दुल गफ्फार खान के भतीजे थे और ये तो उस साइड के थे, भारत के विभाजन के समय पंडित जी के कहने से इनको चूंकि NWFP तो वोट करने के बावजूद हमने उधर दे दिया, उन्होंने तो हमारे लिए एक भारत के लिए वोट दिया था NWFP ने, लेकिन उस विभाजन में वो उधर चला गया, तो इनको मांग लिया था पंडित जी ने खान अब्दुल गफ्फार खान से, तो उनका वो मुझे परिवार का हिस्सा समझते थे, तो अक्सर अपनी जनसभाओं में मुझे अपने साथ ले जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं भूला ही नहीं हूं कभी इसको, एक बार उन्होंने सुनाया था, उनका देहांत भी हो चुका। तो उन्होंने कहा कि मैं सुकार्नो को अपने भाषण में मैं सुनता था भीम अर्जुन भीम अर्जुन भीम अर्जुन, तो बोले कई दफा सुनते सुनते मैं जब एक बार लौट के आया तो मैंने कहा ये भीम और अर्जुन क्या है आप बोलते हैं। तो सुकार्नो कहा तुम नहीं जानते भीम और अर्जुन को अंग्रेजी में। तो कहा कि अगर तो आप महाभारत के कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मैं जानता हूं। कहा मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, लेकिन आप कहते क्या हैं? अब ये ध्यान रखिएगा, ये लगभग 97-98% मुस्लिम आबादी का देश है, वहां का राष्ट्रपति अपने भाषण में भीम अर्जुन, तो उनका आखिर आप कहते क्या हैं? का मैं इनसे ये कहता हूं कि 200 साल की गुलामी के नतीजे में तुमने आत्मसम्मान की भावना खो दी, आत्मविश्वास की भावना खो दी और तुम ये भूल गए कि तुम भीम और अर्जुन की औलाद हो।